each other and reach the common point B. Superimposed to each other and reach the common point B. Is the point P, common point P, after traveling distance x1 and x2. After traveling distance x1 and x2. ठीक है, तो सिंपल मैंने क्या बोला है कि s1 and s2 ऐसे दो सोर्स हैं जिनसे सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट हो रही है और वो दोनों सुपर इम्पोज हो रही है और पॉइंट P पर पॉइंट पी पर एस वन से जो लाइट इमिट होगी वो एस वन डिस्टेंस ट्रैवल करती है और एस टू पर जो लाइट है वो एस टू पर जो सोर्स है उससे जो लाइट इमिट होगी वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक्स टू डिस्टेंस ट्रैवल करती है. अब मान लीजिए जो दोनों वेव है उनके लिए बाय द सुपर पोजिशन थ्योरम इंटरफेरेंस की
क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ना, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल क्या करना है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। Cos B minus cos A sin B.
एक बार देख लो तो b स्क्वायर में से आप e0 टू स्क्वायर कॉमन से कॉमन ले लेते हैं ये दोनों ऐड
टू के बाद और निकालते हैं, यदि मान लिया कि इनिशियल जो है दोनों का फेज सेम है, फेज भी सेम है, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, फेज यदि सेम है तो फेज डिफरेंस फाइव टू माइनस फाइव वन जीरो हो जाता है। उसके बाद अब हमें निकालना है इंटेंसिटी, ये रिजल्ट है टेम्पलीट्यूड आ गया आपका, अब रिजल्ट है इंटेंसिटी को पहले करवाएंगे हाफ आ जाएगा।